अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सेहत दे और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो जी फ्रेंड्स, मैंने सोचा क्यों ना मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँ अपने हैंडबैग की कलेक्शन। है तो बहुत थोड़ी सी, और वो थोड़ी सी क्यों है वो मैं आपको भी से बता देती हूँ। वो थोड़ी सी इसलिए है क्योंकि शादी होने के बाद मुझे ये चीज़ें जो हैं यूज़ करने का नहीं मौका ही नहीं मिला, क्योंकि शादी होते साथ ही मुझे नैज़ा होने वाली हो गई, और फिर साल बाद फिर जो था मुसब होने वाला हो गया था। तो फिर ये जो है बेबी बैग्स ही जो हैं मेरे उस वक्त से लेकर अब तक जो हैं काम आ रहे हैं। मगर अब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दोनों जो हैं अपने काबिल हो चुके हैं माशाल्लाह से, कि वो मुसब भी अब माशाल्लाह से बता देता है वाशरूम वगैरह जाना हो तो। और इसमें बेबी बैग्स में आप देख रहे होंगे ये फर्स्ट पे बेबी बैग है, तो ये भी मैंने 2 साल पहले लिया था और ये बहुत अच्छा है, बहुत मज़बूत है ये। और ये तकरीबन था मेरे ख्याल में 1200 का, ये 1200 का लिया था। और इससे पहले मेरे पास एक बेबी बैग था, वो जो था वो बहुत लो प्राइस का था, उसकी कीमत थी 550। और वो यानी कि बहुत हल्की क्वालिटी का था, तो वो कुछ अरसे बाद ही जो था टूट गया। तो ये मैं 2 सालों से 3 सालों से यूज़ कर रही हूँ, ये बहुत जो है मज़बूत है और आप इसमें बहुत सारी जो है चीज़ें रख सकते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना जो इब्तिदा है वो मैं बेबी बैग से ही कर दूँ। ये देखें फ्रेंड्स, मगर क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, अब मैं इंशाल्लाह अपना बैग लूँगी और वो मैं अब कैरी किया करूँगी। तो अब इस चीज़ की जो है इसको मैं अब बाय बाय बेबी बैग को कर दूँगी इंशाल्लाह। तो फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं ये है मेरा एक पाउच, क्लच कह लें इसको या हैंडबैग कह लें। ये जो है मुझे मेरी खाला ने यूके से भेजा था, जो कि मैंने एक दो बार ही यूज़ किया। बाद में फिर मैंने बताया ना कि इसको जो है यूज़ करने की जो है वक्त ही नहीं मिला था। और फ्रेंड्स, एक ये वाला आप देख रहे होंगे, ये भी बहुत प्यारा है, ये भी मुझे मेरी खाला ने यूके से भेजा था। तो ये अंदर से यू नो अभी तक वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। तो ये देखें, और देख रहे होंगे एक ये है मेरा, ये भी मैंने सिर्फ शादी के फर्स्ट डे में ही जो हैं ये सारे बैग्स यूज़ किए हुए हैं, बाद में मैंने ये नहीं इस्तेमाल हो पाए थे। और फ्रेंड्स, ये मेरा मोस्ट फेवरेट, मुझे ये बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। और ये भी मुझे मेरी खाला ने यूके से भेजा था, ये आप देख रहे होंगे इसके ऊपर जो है ये मोती भी लगे हुए हैं, और ये वाइट वाले जो नग हैं वो भी लगे हुए हैं, और ये मुझे बहुत पसंद है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने जो है मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना कि आप लोगों को सबसे अच्छा जो है कौन सा हैंड बैग मेरा लगा है। और फ्रेंड, एक ये है मेरा, ये पाकिस्तान से ही मैंने लिया, यानी कि इधर से ही मैंने लिया है। तो ये मुझे मेरी भाभी ने दिया था, तो ये बिल्कुल अनटच है। और ये जो आप 4 बैग्स देख रहे होंगे ये मैंने शादी के शुरू डेज में लिए थे, इनको मैंने 1 बार या शायद 2 बार ही इस्तेमाल किया, और उसके बाद मैंने इनको ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आप लोगों को मेरे हैंडबैग्स की कलेक्शन? अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कर लिया करें। बहुत छोटी सी वीडियो होती है, आप लोग उसको भी नहीं वॉच करते और कमेंट्स करके प्यारे प्यारे से भाग जाते हैं। तो आप लोगों ने भी अपने कमेंट्स में मुझे लाजमी बताना कि आप लोगों को इनमें से कौन सा वाला जो है ज़्यादा अच्छा लगा है, कौन सा पसंद आया है। तो फ्रेंड्स, अब दें मुझे इजाज़त, मैं अब मिलूँगी आपके साथ किसी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह, या किसी नेक्स्ट रेसिपी में। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगेबान।